थर्ड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड. लास्ट वीडियो वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डेप्रिसिएशन सेकेंड मेथड रिड्यूसिंग कॉस्ट वैल्यू मेथड. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड. एग्जाम्पल के साथ हम इसको करेंगे इंशाल्लाह और इसका फार्मूला भी आपको बताऊंगा. और बहुत सारी कंपनीज होती हैं इस मेथड को फॉलो नहीं करती. कुछ कंपनीज जो हैं वो इस मेथड को फॉलो करती हैं. 9 मेथड है डेप्रिसिएशन के अलग अलग से वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा. लेकिन कुछ कंपनीज जो हैं वो फॉलो नहीं भी करती, तो हमने तो इसको सीखना है ना, तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग इसी मेथड को फार्मूले के साथ देखेंगे. फार्मूला सबसे पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ. डेप्रिसिएबल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय नम्रेटर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये फॉर्मूला है. अब हमने डेप्रिसिएबल वैल्यू कैसे निकालनी है, नम्रेटर कैसे निकालना है, डिनोमिनेटर कैसे निकालना है, इस चीज को हम लोग देखते हैं. डेप्रिसिएबल वैल्यू मैं एक एग्जांपल लेता हूं. सपोज एक मशीनरी जो है वो मैं 20,000 की खरीदता हूँ. 20,000 की मशीनरी खरीदता हूँ तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है, वो वैल्यू जो किसी भी मशीन को इस्तेमाल करने से जब वो अनसूटेबल हो जाती है उसकी लास्ट वैल्यू जो होती है मार्केट में, वो जो है वैल्यू स्क्रैप वैल्यू. मैं इसको 5,000 स्क्रैप वैल्यू दे देता हूँ. और आपको एग्जामिनर कहता है कि आपने 5 ईयर के लिए लाइफ जो है 5 ईयर, ठीक है, और कैलकुलेट करें सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड के साथ डेप्रिसिएशन को आप कैलकुलेट करो. तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के मुताबिक डेप्रिसिएबल वैल्यू को निकालेंगे, फिर हम इसको तो बाद में सॉल्यूशन इसका करते हैं. डेप्रिसिएबल वैल्यू कैसे निकालते हैं, आपकी टोटल कॉस्ट, मैं जरा शॉर्ट कर रहा हूँ, डीवी इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू. तो टोटल कॉस्ट 20,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू आ गया 15,000, ठीक है. ये मेरी आ गई डेप्रिसिएबल वैल्यू. सिर्फ दो चीजें मुझे चाहिए, कोई इसमें जो है टेक्निकल बात नहीं है. हमें ये दो वैल्यूज मिलती हैं तो हमारा जो है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो जाता है. इसको जरा मैं सॉल्व करने के बाद इसको रेज कर देता हूँ और मैं एक साइड पे लिख लेता हूँ, मेरे डीवी जो वैल्यू है इज इक्वल टू है 15,000, ठीक है. अब हम लोगों ने नम्रेटर निकालना है और डिनोमिनेटर निकालना है. आपको सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर ही निकाल लेता हूँ इज इक्वल टू. आपको 5 ईयर जो दिए हैं, आपको सबसे पहले तो वो सम ऑफ द ईयर नंबर से ही, इसके नाम से ही पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है. तो आपको 5 ईयर दिए हैं तो आप डिनोमिनेटर निकालने के लिए क्या करोगे, 1+2+3+4+5, जितने साल उसने आपको दिए उनको सभी को आपस में क्या कर दो, प्लस कर दो, आपके पास ये बन जाएगा 15. उन सभी को क्या कर दो, प्लस कर दो, आपके पास डिनोमिनेटर आ गया. इसका एक और तरीका है, सपोज वो आपको 5 ईयर नहीं देता, वो 25 ईयर दे देता है, 26 ईयर दे देता है, 20 ईयर दे देता है, कुछ भी दे देता है. तो फिर आप लोग उसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको 20 ईयर देता है, आपको 5 ईयर देता है, बहुत सारी लिस्ट दे देता है लाइफ की, तो आप उसको कैसे, आप उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करोगे, एन इंटू एन प्लस वन और डिवाइडेड बाई टू, ये इसका हो गया फॉर्मूला. अच्छा, एन क्या है, एन आपके जितने ईयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, एन इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 इंटू दोबारा एन, एन इज इक्वल नंबर ऑफ द ईयर 5+1 और डिवाइडेड में 2 आ जाएगा, ठीक है. इसको मैं सॉल्व करता हूं तो 6 इंटू 5 इंटू 6 ओवर 2 50 is 30 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया आपके पास 15. देखिए वही वैल्यू आ गई. तो डिनोमिनेटर निकालने का ये तरीका, आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, डिनोमिनेटर और डेप्रिसिएबल वैल्यू, लास्ट वन आपके पास रह गई है नम्रेटर. नम्रेटर को भी हम देखते हैं.
न्यूमरेटर आपने कैसे निकालने, जो आपके पास नंबर ऑफ द ईयर हैं उनमें से आपने माइनस एक एक करते जाना। एन आपके पास फर्स्ट ईयर, ये कौन सा है फाइव, उसके बाद एन माइनस वन, ये सेकंड आ जाएगा। एन आपके पास फाइव है माइनस वन तो इज इक्वल टू फोर, ये सेकंड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए एन माइनस टू, तो एन फाइव है आपके पास, माइनस टू कर दो तो इज इक्वल टू आ जाएगा थ्री। ओके, थर्ड ईयर के लिए, फोर्थ ईयर के लिए एन माइनस थ्री, क्योंकि सबसे पहले साल के लिए ये n और सेकंड ईयर के लिए n माइनस वन, थर्ड ईयर के लिए n माइनस टू और फोर्थ ईयर के लिए n माइनस थ्री। लॉजिकल जरा न्यूमरेटर देखें तो इसमें से आपकी वैल्यू बच गई जी 5 माइनस थ्री इज इक्वल टू टू। आपके पास वन टू सॉरी टू थ्री और फोर, लास्ट ईयर जो है आपके पास न्यूमरेटर का आ गया n माइनस फोर इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस फोर इज इक्वल टू वन। तो ये आपके पास न्यूमरेटर आ गया, फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, आपके पास ये पाँच सालों का के लिए न्यूमरेटर भी आ गया। अब हम डेप्रिसिएबल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन मैं इसका इधर ही कर देता। चलें जी, इस डेप्रिसिएबल वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, हमारे पास आई थी जी 15,000 मल्टीप्लाई बाय, ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय नंबरेटर आपका पहले साल का क्या है 5 और डिनोमिनेटर कितना है 15, कितना आ जाएगा, इसको इसके साथ 1 पे कटिंग होता है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5000। ठीक है, सेकंड वन, सेकंड ईयर के लिए आप अगर देखें तो इसकी डेप्रिसिएबल वैल्यू 15,000 मल्टीप्लाई बाय नंबरेटर आपका क्या है सेकंड ईयर के लिए n माइनस वन, एन माइनस वन, तो इसको अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या आता है n 5 माइनस वन तो इज इक्वल टू 4 आ गया, 4 और डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू आ गया आपके पास, इसको इसके साथ ख़त्म करो तो ये आ गया आपके पास 4000। डिफरेंस कितना आ रहा है 1000। तो गाइस ये बात याद रखिएगा, आप लोग स्ट्रेट लाइन मेथड में आप लोग क्या करते थे, आपकी हर साल जो डेप्रिसिएशन है वो सेम आती थी, मतलब कि आप एक ही वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लेते हो। इसमें क्या होगा, जो कांस्टेंट आपकी डेप्रिसिएशन है वो कांस्टेंट रहेगी हर साल, जितनी पहले साल आएगी उतनी ही हर साल आपकी डेप्रिसिएशन है जो वो चार्ज होती जाएगी। थर्ड ईयर के लिए देखिए 15,000 मल्टीप्लाई बाय, अब पहले 5 आ गया 4 आ गया, अब ऑब्वियसली 3 आ जाएगा 3/15, तो इसको इसके साथ ख़त्म कर दो तो ये आपके पास आ गया 3000। तो हर साल आपके पास कांस्टेंट डेप्रिसिएशन सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में निकलती रहेगी। तो कोई टेक्निकल मेथड नहीं था, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ज़रा थोड़े से डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में क्या होता है कि जो आपके पास कंपनी है वो ये देख सकती है कि हमने कब अब नेक्स्ट जो है मशीनरी जो है वो ख़रीदनी है नेक्स्ट, ये नॉर्मली मोटर्स वगैरह मोटर व्हीकल्स वगैरह पे ये डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज होती है। अब कंपनी जो है वो फर्स्ट ईयर जो है, क्योंकि मशीन जो होती है वो बहुत अच्छी हालत में होती है, इसलिए फर्स्ट ईयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिसिएशन निकाल लेती है। सेकेंडली एक साल जब वो चल जाती है थोड़ा सा उस पर बर्डन आ जाता है मशीनरी की मेंटेनेंस के लिए, आप लोग फिर थोड़ी सी डेप्रिसिएशन कम चार्ज करते हो, लेकिन वो होती ज़्यादा ही है। जैसे जैसे वो मशीनरी यूज़ होती जाती है लास्ट ईयर जब चल रहे होते हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन जो है, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिसिएशन दे सके, तो इसीलिए जो सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में आप लोग क्या करते हो फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड इनमें ही आप ज़्यादा से ज़्यादा डेप्रिसिएशन जो है वो मशीनरी की व्हीकल्स की वो चार्ज कर लेते हो। तो इसलिए सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड जो है वो कंपनीज इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को सिंपल सा एक फार्मूला बताया और उसके बाद न्यूमरेटर को हमने अलग से निकाला, डिनोमिनेटर और डेप्रिसिएबल वैल्यू को निकालते हुए हमने एक एक साल की डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट कर दी। तो गाइस ये था आज का लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की और अकाउंट्स इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथ और बहुत सारी बिजनेस की वीडियोस जो हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी बहुत आसानी से। तो नेक्स्ट वीडियोस तक दीजिए इजाज़त, सब्सक्राइब कीजिए।
इसके अलावा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।